हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र सेट के बारे में। इस चीज़ के बारे में सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपको अच्छे से। तो इसमें सारी चीज़ जो है क्या होती हैं, कैसे क्या किया जाता है, सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। अप्लीकेशन फॉर्म कब आती हैं, एग्ज़ाम डेट कैसे क्या हो, कैसे देखना होता है, आंसर की कब आती हैं तो क्या करना, मतलब कैसे डाउनलोड करना, कौन से वेबसाइट से, और अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे करना होता है, हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिलेबस भी। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है मैं सेट के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बात आज की नहीं है, बात अगले कुछ सालों की। जब तक आप पढ़ाई करते हैं, तो जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपके प्रैक्टिकल्स होती हैं, आपके वाइवा होती हैं, आपके इंटर्नशिप्स होते हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स, आपके टेक्निकल इवेंट्स, आपके कल्चरल फेस्टिवल, आपके पर्सनल फेस्टिवल होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक स्पेशल चैनल बनाया गया, जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़, मैंने पहले ही बता चुका। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कि सर्च करने का फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना, और वहाँ पर आपको टाइप करना है MS SET 2022। ओके, फिर IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको MS SET के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको सर्च करनी है। तो जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पर आप न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आपको ओपन कर लेंगे तो आप इस पेज पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे इसी पेज पर। मैंने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करते हैं आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल में लिखा हुआ कि अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है, आपको एलिजिबल होने के लिए क्या चीज़ें लगें, क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले कि क्या करना है यहाँ पर, कि जो सामने आपके फॉर्म है इस फॉर्म को आपको फिल करनी है सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर क्या फिल करनी है, यहाँ पर काफ़ी ईजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल नेम आपका क्या है, तो फुल नेम आपका जो भी है वहाँ पे आप टाइप करना है, आपका ईमेल आईडी क्या, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी ना वो क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करनी है। एग्जांपल तौर पे आपका ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पे टाइप कर लेना है, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या, तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, मोबाइल नंबर अपना दीजिए यहाँ पर, और सेलेक्ट अपना जो है स्टेट सेलेक्ट करनी, एग्जाम्पल तौर पर सेलेक्ट कर यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका स्टेट, एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ पे कहाँ रहता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ तो महाराष्ट्र पे सेलेक्ट करूँगा। मेरी सिटी कौन सी, महाराष्ट्र में जो भी मेरी सिटी रहेगी उस सिटी को क्या करना है आपको सेलेक्ट करनी है। एग्जाम्पल तौर पर मैं मुंबई का हूँ तो मुंबई पर सेलेक्ट करूँगा, और कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल तौर पर आपको यहाँ पे BCom या फिर BBS, बी फार्मेसी, मेडिसिन में या फिर हेल्थ केयर में या फिर इंजीनियरिंग में, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। एग्जांपल तौर पे मुझे मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो मैं मेडिसिन पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे उसको सेलेक्ट करूँगा अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो, ऐसा बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या सेलेक्ट करना है आपको, आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्या, 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन मास्टर PG जो भी आपने कम्प्लीट किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है आपको। फिर यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करनी है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे। तो यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर एंट्रेंस। तो यहाँ पे ऐसे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इस नाम से भी जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, तो इसका फुल फॉर्म है MS SET। तो इसका जो है स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, कॉमन जो है स्टेट यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम होता है, और इसमें जो है अप्लीकेंट हु वांट एडमिशन, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट कोर्स के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। एग्जांपल तौर पे BBTech, BPharmacy, BPharm और D। ओके, कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं MS SET में। ओके, इंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है एडमिशन के लिए बच्चों को यहाँ पे ऑफिशियली, और अप्लीकेंट वेरियस कोर्सेज के लिए यहाँ पे ऑफर्ड किए गए रहेंगे वेरियस कॉलेज के लिए लोकेटेड में है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, जो यहाँ पे जो अलग अलग कॉलेज हैं उसमें अभी आपको ऑफ़र किए जाते हैं महाराष्ट्र में कि आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे, आपको मौका मिलता है यहाँ पे एडमिशन लेने का। यहाँ पे जो है अप्लीकेंट एलिजिबल यहाँ पे पहले देखा जाता है कि यहाँ पे क्या क्या आपके एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या आपके यहाँ पे, तब उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे उसके बेस पे आपको अंदर मतलब एंटर किया जाता है। ऑर्डर गेट क्वालिफिकेशन फॉर MS SET का जो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आपके पास उसके थ्रू यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे सच ऐसे था इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स आपको कुछ रहेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स जिसके थ्रू आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे है यहाँ पे नॉलेज आपके यहाँ पे डिटेल्स जो आपको मालूम रहनी चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए क्या क्या कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे, जो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स, अप्लीकेशन फॉर्म,
एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, एग्जाम पैटर्न्स, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट कब आता है, कब आता है तो कैसे देखना है आपको, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग सीज़न, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आपके एम एच सेट के। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम दिया, इस कॉलम में आपको क्या देखना है, इस कॉलम में एक टेबल दिया, इसको उस टेबल में आपको क्या देखना है, एक कॉलम में क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है डेट्स। तो क्या देखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में, यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग डेट फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो स्टार्टिंग का समय है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो डेट बताया गया कि जनवरी में आपका जो स्टार्ट होगा, सबमिशन का डेट बताया गया, कभी आपका जो ख़त्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, कभी आपका लास्ट डेट है, कभी ख़त्म हो जाएगा मार्च में आपका जो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस, अगर लेट हुए तो उसके साथ आपको फीस भी पे करना होता है उसके साथ ही साथ, और एडमिट कार्ड का भी आपको अवेलेबल होगा अप्रैल में, एग्ज़ाम का भी होगा मई में, आंसर के भी आपको मिलेगा, आंसर की कभी आपको मिलेगा मई में मिलेगा, और जो यहाँ पे आंसर शीट होता है ORM जो रहता है वो कभी होगा आपका मई में होगा, रिज़ल्ट कभी आपको मिलेगा जून में मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया, ठीक। तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कि एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप एडमिशन कहीं भी लेने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, तो उसमें क्या फिल करनी होती है, काफ़ी डिटेल मतलब उसमें फिल करनी होती है आपके चीज़ के बारे में, कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फैमिली में आपको मतलब सारी चीज़ें आपको उसमें टाइप करना होता है, उसमें फिल करना होता है, फैमिली डिटेल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स और एजुकेशन डिटेल देना रहता है आपको, कहाँ कितना एजुकेशन आपका हुआ है, कितना क्वालिफिकेशन आपके आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने आए हैं, और उसमें सारी चीज़ें जो है डिस्कस करनी रहती है। डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसमें अपलोड करनी रहती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स बोले तो फोटोग्राफ साइज़ के फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स और सर्टिफिकेट जो रहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको अपलोड करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक। अब उसके बाद जो हो जाता है ये सब, उसके बाद आपको क्या करना था, सबमिशन का समय आता है, उसके सबसे पहले उससे पहले आप डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस का जो है अमाउंट पे करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बैकवर्ड क्लास, तो जो एप्लीकेंट लाइक अगर SC या फिर ST या फिर VJ या फिर DT या फिर NT है, तो जो भी आपका यहाँ पे है उसका जो है 600 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, 800 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, ओके। एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए 800 है, बाकी सब जो बचे हुए रिजर्व हैं वो 600 है। अब मतलब आपको पे तो करना है, तो पे कैसे करेंगे, यहाँ पे काफ़ी मतलब बताए गए हैं कि यहाँ से आप पे कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट, कैश कार्ड, IMPS एक्सेट्रा। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं यहाँ पे। और ये चीज़ बताई गई है कि ये नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, और तो आपको क्या करना है, ये देख के आपको फी पे करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जो भी आपको करना है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, नेशनल आपका इंडियन होना चाहिए, और एलिजिबल तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पे एज लिमिट आपका होना चाहिए 17 ईयर्स का, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, मतलब इतना तो होना चाहिए कम से कम, तब आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, उससे कम नहीं चलेगा। और डोमिसाइल जो यहाँ पे एप्लीकेंट होल्ड वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कहाँ का, महाराष्ट्र स्टेट का, तभी आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, महाराष्ट्र सेट में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन प्रोसेस, द ऑथराइज्ड विल ग्रांट एडमिशन टू दे दोज, ओके, कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th अगर आपने यहाँ पे कंप्लीट किया और डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे
तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक, तो यहाँ पे आपके कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ते हैं, 50%, उससे कम नहीं चलेंगे यहाँ पे। ठीक, तो 50% से ज़्यादा आपको मार्क्स लाने हैं यहाँ पे, तभी आपको एलिजिबल है यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। रिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी जो बचे हुए हैं उन लोग के लिए 5%, ओके 45% यहाँ पे रहेगा शायद, ओके। तो यहाँ पे 45% जो है बचे हुए कैटेगरी उन लोग के लिए। ठीक, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे पहले से कुछ लिखा है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो भी आपका रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे, एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है कि सबसे पहले मोड ऑफ द एग्ज़ाम रिटन टेस्ट होगा आपका, ओके। तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन होगा, तो वहाँ पे उसके थ्रू आपको जो होगा एग्ज़ाम होगा। ठीक, अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम तो देख सकते हैं कि क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम फोर, ओके। तो 250 मिनट्स आपको जो है एग्ज़ामिंग के लिए टाइमिंग है, तो 250 के अंदर आपको जो कंप्लीट कर लेना आपका एग्ज़ाम। और लैंग्वेज आपका एग्ज़ाम में जो होगा यूज़ इंग्लिश, मराठी, उर्दू, ये आपके जो है लैंग्वेज हैं। किसके लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी इसके लिए, तो ये जो लैंग्वेज यूज़ होते हैं, तो जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किए रहेगा तो उस लैंग्वेज के थ्रू आपको पेपर मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आप पे मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो 250 क्वेश्चंस मिलेंगे, 250 मिनट्स के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे बताया गया 300 टोटल मार्क्स के लिए आपको जो होगा एग्ज़ाम होगा, ओके। तो इसी तरीके से आपको करना है, एक मार्क्स पे यहाँ पे जैसा भी रहेगा आपको करना है। अब यहाँ पे देखेंगे पेपर 1, 2, 3 पेपर दिया गया, सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे मैथ में, पेपर फर्स्ट में मैथ में 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, सेकंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस के, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के लिए। पेपर थर्ड में बायोलॉजी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। तो इसी तरीके से आपका जो है बताया गया आपका। ठीक, अब नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मैथमेटिक्स जो है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्मूला, सर्कल एंड कॉनिक्स, रिलेक्शन ऑफ फंक्शन, सिक्वेंस इन सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सेट्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा। तो ये क्या आपका टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स पे जो आपको पढ़ना है, आपका स्टडी करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, ये आपको मैथ्स में आपको ये सारी चीज़ें जो आपको इस टॉपिक पे बेस पे आपको क्या करना है, आपका स्टडी स्टार्ट करना है, पढ़ना है आपको, ये करना है। ठीक, केमिस्ट्री में क्या दिया है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। तो रिडक्शन, ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन अल्केनेस, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो ये जो आपके जो टॉपिक्स बताए गए हैं केमिस्ट्री में, ये सारे टॉपिक्स के बेस पे आपको आएंगे एग्ज़ाम में। और यहाँ पे फिजिक्स का जो बताया गया है, फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आपको इसके बेस पे आपको इस टॉपिक पे बेस पे आपको आएगा ये टॉपिक, आपको आपका क्लियर होना चाहिए तभी आपको जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ पे बुनटैनी जो इसके पार्ट्स हैं अंदर, तो ये पार्ट्स आपको जो है टॉपिक्स, चार टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया, बोटैनी का, और जूलॉजी का भी यहाँ पे बताया गया। तो जूलॉजी यहाँ पे 4 टॉपिक्स जो यहाँ पे है। प्रिपरेशन टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिपरेशन टिप्स आपको मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, आपको अच्छे मार्क्स कैसे एग्ज़ाम में लाना, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो सिंपल है, काफ़ी ईजी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि आपका एक अच्छा टाइम टेबल रहना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे वो देखना है। सिलेबस आपका इसी बेस पे रहता है, सिलेबस को भी आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। एक गुड टाइम टेबल बनाइए, सिलेबस रिवाइज कीजिए, और ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको पढ़ना है, ओके। ऑनलाइन मोड से भी आप पढ़ सकते हैं, सर्च करते रहना है इस चीज़, ये इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ कैसे किया जाता है, और डिटेल में जानते रहना आपको उस चीज़ के बारे में। और अपना एक नोट्स बनाइए नोटबुक में, उसको राइट लिखिए वहाँ पे उसमें, और फिर उसको जब भी आपको इमिडिएटली कभी भी ज़रूरत होगी तो आप डायरेक्टली उस पेज को ओपन करेंगे और वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके पास आंसर तुरंत वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको आपको प्रिपेयर करना है हर वक्त, आपको स्टडी के लिए आप मटेरियल्स जो होती हैं वो सारी चीज़ आपको आपके पास रहनी चाहिए। टॉपिक्स इजी टॉपिक्स क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए,
फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड 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 जो रहते हैं आपके हार्ड हार्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें आप, ठीक। तो इसी तरीके से आपको करना है, प्रिपेयर करना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है। अपने मतलब सेल्फ डिपेंड, अपने सेल्फ के ऊपर अपना ध्यान देना है, मतलब मैंने कैसे क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है खुद से, ठीक। एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड कहाँ से आपको मिलता है, ये एडमिट कार्ड एमएस सेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलता है, हॉल टिकट बोलते हैं जिसे, उसको कैसे डाउनलोड करना है आपको, वहाँ पर आपको कुछ वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ता है, जो भी आपको वहाँ पर पूछा जाएगा वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड, उसका पूछने के बाद आपको जो है डाउनलोड करना होगा, तभी आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं तो उसके बिना नहीं होता है, उसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना नहीं दिया जाता है, ठीक। एडमिट कार्ड के बिना तो उसको डाउनलोड करना होता है ऑफिशियली वेबसाइट से, महाराष्ट्र एम एस सेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है एडमिट कार्ड आपका, फिर उसके बाद डाउनलोड करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के आपको पेपर पे आपको मतलब ले लेना, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है, ठीक। अब यहाँ पे जो है आंसर की दिया गया, आंसर की आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट से रिलीज़ होता है, ताकि आप देख सके कि आपने क्या लिखा है, आपने मतलब करेक्ट लिखा होगा तो आप यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए रहेंगे, कितने मैंने करेक्ट किया है, तो आप यहीं से देख सकते हैं। रिजल्ट भी आपको कहाँ से मिलता है, ऑफिशियली वेबसाइट से मिलता है, महाराष्ट्र सेट के रिलेटेड वहाँ से मिलता है आपको, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ से आपको जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं अपना कि कितने मार्क्स आपके कितने आए हैं, ओके। और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक। और मेरिट लिस्ट आपको ये मिलता है एमएसएट के जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप मेरिट लिस्ट अपना दे रिलीज़ होती है, तो आप देख सकते हैं। अनदर डॉक्यूमेंट्स विल प्रिपेयर ऑफिशियली ऑथराइज्ड ये इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड से आप ले सकते हैं, ठीक। तो आपको इसी तरीके से करना है, और काउंसलिंग भी ये बताया गया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमएस सेट का, महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको ऑनलाइन मोड से आपका जो है काउंसलिंग वो रिलीज़ होता है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, आपका रजिस्टर करना होता है, तो उसमें आपको करना है काफ़ी ईजी है, कंडक्टेड नॉमिनेटेड एप्लीकेशंस, ओके। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है मेंशन, क्या करना होता है आपको, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर दी वेरिफिकेशन के लिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके नाम बताता हूँ, यहाँ पे एसएससी मार्कशीट, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये दो चीज़, और डोमेसा सर्टिफिकेट, मेडिसिन फिटनेस सर्टिफिकेट रहती है आपके पास, उसको रहना ले लेना आपको वेरिफिकेशन के लिए लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये जो सारी जो सर्टिफिकेट आपको इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको ये लगते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आपको जो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको ईजी है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दी होंगी। तो ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।